कौन सा प्रॉमिस? ये आपने मुझे कल कहा था कि आप लिमिट में पीने वाले, लेकिन आपकी हालत देख के लगता नहीं है कि आपने कोई लिमिट रखी है। समीर, सुबह सुबह लेक्चर मत दिया। ये जरा देख, सुबह हुए, काफी वक्त हो गया। तो ये छोके ना, मुझे कौन सा मीटिंग पे जाना है यार? अरे मीटिंग में आपको नहीं, मुझे जाना है। और आप मुझे छोड़ने चलोगे? मैं तुझे छोड़ने क्यों जाऊंगा? वो इसलिए क्योंकि मेरी बाइक का स्पार्क प्लग खराब हो गया। तू ऑटो टैक्सी लेके चला जाना। जी नहीं भैया, ना ही मैं कोई ऑटो करूंगा, ना ही कोई टैक्सी लूंगा। आप चल रहे हो मुझे छोड़ने। सिर्फ थोड़ी देर की मीटिंग है, उसके बाद वो जो नई मूवी लगी है ना, हम वो देखने चलेंगे। लेकिन समीर, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हम एक घंटे में चल रहे हैं, आप फटाफट तैयार हो जाओ। अच्छा 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 अच्छा, तू रेडी? मैं तैयार हो गया। तो उदय, तू चिंता मत कर बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और देखना, तेरे पापा भी तेरे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। मैंने तुझे तेरे नंबर पर एक एड्रेस सेंड किया है जो मेरे कैफेटेरिया का है। तुझे कल एनी हाउ वहां आना है और मुझसे मिलना है, तुझसे एक बहुत जरूरी काम। बाकी सारी बातें हम मिलके करेंगे। There's lots to catch up, okay? See ya, bye. हे अंबे माँ, मेरे राहुल के जीवन में खुशी की नई किरण आए और वो तनु को हमेशा के लिए भूल जाए। जा तू अपनी फ्रेंड से मिल ले, मैं तेरा यही वेट करता हूँ। आपको यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है भैया, आप कार पार्क करके कैफेटेरिया में आ सकते हैं। ओके। सॉरी। हे, देख क्या रहे हो? ओ कम ऑन, नाउ डोंट जज मी। ओके, ये मेरी कॉलेज की बुक्स है एंड दे आर वेरी प्रेशियस टू मी। डैड ने सिखाया है कि बुक्स तो माँ सरस्वती का रूप होती है। ये हमें नॉलेज, विजडम, एजुकेशन कितना कुछ देती है। तो फिर इन बुक्स का इंसल्ट करना इज अ बिग नो। माफी तो मांगनी पड़ेगी। सॉरी सरस्वती माँ।
राहुल। सॉरी माँ सरस्वती, सॉरी माँ सरस्वती। ये तुम क्या कर रही हो? राहुल, डोंट जज मी। ये मेरी कॉलेज की बुक्स है और डैड ने सिखाया है कि बुक्स माँ सरस्वती का रूप होती है। ये हमें कितना कुछ देती है, एजुकेशन, विजडम, नॉलेज। तो इनकी इंसल्ट मैं कैसे कर सकती हूँ? माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। Anu, are you serious? Really? Yes! Idiot! ये मेरी पिक्चर है, थैंक्स इसे उठाने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रास्ता अब भूल गए हो? यू नीड सम हेल्प? हेल्प? ओके, बाय, टेक केयर। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। तुम रिहर्सल मिस कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? बहुत कुछ हुआ है, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। हरिता, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें, मैं सुन रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता जिस पॉइंट पे है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानती हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं आप पर शक कर बैठी हूँ। पर अब मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती, मैं इस शक को अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूं कि हम दोनों उसी प्यार से रहे जिस प्यार से हम कुछ दिन पहले थे, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपका साथ चाहिए होगा निरंजन, आप देंगे मेरा साथ? प्लीज। नहीं रीता, चाची मैं जानती हूँ आपकी श्रद्धा है, लेकिन ये बात आप मुझे तो बता सकती थी ना? अरे मैं भी जानता हूँ श्रद्धा है, पर श्रद्धा है तो प्रार्थना कर लेती ना माँ। कौन सा भगवान ये कहता है कि अपने आप को दर्द दो और मैं तुम्हारा दर्द दूर कर दूंगा? ऐसा मत बोल परिमल, मैंने मेरे राहुल के लिए ये सब किया। क्या पता माँ अम्बे को मुझ पे तरस आ जाए और मेरे राहुल को तनु के दर्द से छुटकारा मिल जाए। आज 5 साल से मैं राहुल को हर रोज तड़पता हुआ देख रही हूँ, अब और नहीं देखा जाता। मेरे और तेरे बापूजी के एक फैसले का बोझ राहुल अब तक अपने दिल में लिए घूम रहा है। तो क्या जरूरत थी बापूजी को यह फैसला लेने की? राहुल कोई बच्चा तो नहीं था? वो और तन्नु अगर एक दूसरे को चाहते थे तो होने देते उन दोनों की शादी, क्यों मना किया? क्योंकि बापूजी को तो अपने फैसले अपने बच्चों पर थोपने की तो आदत है। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले।
इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें रंग थे नूर था जब करीब तू था एक जन्नत सा था ये जहां की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी आइए इस तरफ चले सो योर इट इज कैसा लगा वाओ या सो कुछ दिन पहले थ्रू सुभाष मुझे पता चला कि तुझे स्टूडियो की जरूरत है तुझे स्टूडियो की जरूरत थी और मुझे स्टूडियो रेंट करने वाले की सो मैंने तेरा नंबर ट्रेस किया और तुझे वो वीडियो भेजा ताकि तू जल्दी से यहाँ आए और इसे रेंट पे ले ले विद सम फ्रेंडशिप डिस्काउंट रियली दैट्स नाइस बट तुझे स्टूडियो रेंट की क्या जरूरत है तेरा कैफे तो काफी हैपनिंग लग रहा है That's the problem. कैफे को हैपनिंग बनाने के चक्कर में मैंने अपने फाइनेंसिंग पार्टनर कम फ्रेंड सोहम कितने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और जितना सोचा था उतना कैफे चल नहीं रहा So it's running into loss, you know. Is it? Yeah. इसलिए स्टूडियो रेंट कैफे रन करने के लिए बहुत कम आएगा और तुझे भी तो स्टूडियो की जरूरत है राइट हाँ मुझे जरूरत है सुनिए जरा नीचे चलिए ना क्यों कोई आपसे मिलने आया है
कौन? मेरी एक फ्रेंड। ओह, सीमा ना? उसके सामने मुझे इतना बदनाम करने के बाद अब मुझे और एम्बैरस करने के लिए उसे घर ले आई तुम? नहीं, सीमा नहीं, श्री आई है। अब ये श्री कौन है? वो मेरी एक नई दोस्त है। वाह, सीमा से बुराई करके मन नहीं भरा जो एक और दोस्त बना ली तुमने? अभी श्री कहां से मिल गई तुम्हें? वो मैं पार्लर गई थी ना, वहीं मिल गई। वो भी इस तरफ आ रही थी तो मैं उसके साथ आ गई। आज ही पार्लर में मिली, आज ही दोस्त भी बन गई और आज ही तुम उसे घर भी ले आए। जी भर के बुराई की होगी तुमने उसके सामने मेरी। खुशी मिलती है ना तुम्हें अपने पति को बदनाम करके सब जगह? आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे आपकी बुराई करके खुशी मिलती है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीमा के सामने बुराई की थी ना, तो इस श्री के सामने भी की होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। श्री भी इसी तरफ आ रही थी, उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैंने उसे कॉफी के लिए पूछ लिया और घर ले आई। बातों बातों में आपकी बात निकल गई तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप ऊपर घर में ही हैं, तो मैंने मिलने के लिए कह दिया। प्लीज, 2 मिनट की तो बात है, चल लीजिए ना। बहुत अजीब लगेगा कि आप घर में ही थे और मिले भी नहीं। हाँ समीर भैया, I have a great news। हाँ बोलना। भैया, are you drunk? No, not at all। क्यों? आपकी आवाज से साफ पता चल रहा है। नहीं, वो थोड़ा सा हैंगओवर है। I don't trust you भैया। मैंने आपको कट डाउन करने को बोला था, आप तो दिन में भी शुरू हो गए। Trust me समीर, मैं नहीं पी रहा हूँ। You know what भैया? You don't care for anyone। रिलैक्स समीर, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सब छोड़िए, बता तेरी मीटिंग कैसी हुई? तेरी वो फ्रेंड मिली? हाँ, फ्रेंड मिली, और एक गुड न्यूज भी थी जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। इतना एक्साइटेड होकर मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन समीर ये सब छोड़, न्यूज बता। मैं नहीं बता रहा मेरे भाई, मैंने नहीं पी है। नहीं मानता मैं। तुझे इतना डाउट हो रहा है ना, तू खुद आकर चेक कर ले बस। मैं आता हूँ, और अगर आप पकड़े गए ना तो देख लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू आ तो सही पहले। ठीक है। निरंजन, सुनिए, यहां पे भी नहीं है, कहां चले गए? फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या करूं? मैसेज कर दूं? हाँ, अरे इन्हीं का मैसेज है। मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा, सॉरी आई कुडंट मीट योर फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो? भाभी वो लड़की कौन थी? वो मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड? हाँ, मेरी एक नई फ्रेंड है, श्री। श्री? लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतने परेशान हो और ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम ठीक तो हो राहुल? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा था।
कहाँ चले गए थे आप? बताया तो था तुम्हें, एसएमएस नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा था, इसीलिए फोन नहीं किया क्योंकि आप मीटिंग में बिजी थे। आप जा ही रहे थे तो कम से कम शी को हेलो बोलते जाते। कितनी देर वेट किया हमने आपका। चाहे जितनी देर वेट किया, तुम्हारे दोस्त का टाइम मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। वो तो नहीं है, काम पहले है और श्री भी समझती है इस बात को, इसीलिए उसे भी अजीब नहीं लगा। काफी समझदार है तुम्हारी दोस्त। इनफैक्ट श्री ने मुझे कहा कि वर्क तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उनसे अगर मैं आज नहीं तो कल मिल लूंगी। ये तुम्हारी दोस्त के पास कुछ ज्यादा ही फालतू का टाइम है क्या? ये उसका मिलना मुझसे इतना जरूरी क्यों है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अब वो मेरी फ्रेंड हो गई है ना, तो मेरी फैमिली से मिलना चाहती है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको कह दिया कि वो कल आ जाए। भला फ्री है ना? कुछ कह नहीं सकता। कितना टाइम वेस्ट कर दिया तुमने उस पे यार। एंड एट द एंड मिला क्या? कुछ नहीं, बस उसी का कॉम्पेंसेशन देना होगा निरंजन को। अब वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। मैंने उसे अपना टाइम दिया और अब वो मुझे अपना मनी देगा। लेकिन वो देगा कहां से? आई मीन, आर यू श्योर कि उसकी अभी कोई लॉटरी लगी है? यस, और अब लॉटरी हमारी भी लगने वाली है प्रदीप। अब उसके हालात बदल चुके हैं। बहुत बड़े बंगले में रहता है, बहुत सारी गाड़ियां हैं उसके पास, और सुना है उसके बाप गोवर्धन मेहता के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि निरंजन अब भी उतना ही इमोशनल फूल है जितना कि मैंने उसे करके छोड़ा था। मुझे कभी कभी लगता है कि प्लान एंड होते होते तो मुझे भी फूल ना कर दो। कम ऑन, यू माय पार्टनर इन क्राइम, मैं तुम्हें डिच कैसे कर सकती हूँ? नाउ रिलैक्स एंड लेट्स वेट फॉर निरंजन। माया जरूर किसी प्रॉब्लम में है, कहीं उसका वो कमीना हस्बैंड तो? ओह शिट! Cheers. Maya. आधी रात हो गई है, कहाँ है तुम्हारा वो निरंजन? धीरे बोलो। इस फ्लैट से आवाजें आसानी से बाहर जाती हैं, किसी ने सुन लिया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो अब हो गई है। तुमने ये सब ड्रामा किया निरंजन को फंसाने के लिए, फेक डाइवोर्स, मुझे अपना नकली हस्बैंड बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सबके जरिए तुम सिंपथी गेन करना चाहते थे ना? एट द एंड क्या मिला? कुछ याद आया? कुछ भी नहीं। तुम्हारे उस निरंजन को तो मैंने उस रात के बाद देखा ही नहीं, गायब भी हो गया। अब और टाइम वेस्ट मत करो, कोई और बकरे को पकड़ते, आसानी से पैसे निकालते। बिकॉज निरंजन को फंसाना इज टफ, आसान नहीं है। शट अप। कौन आया होगा? मैं चेक करता हूं।
निरंजन अब क्या करना है? तुम अंदर रूम में जाके छुप जाओ, मैं उसे बाहर से ही भगा दूंगी। ये सब लेके जाओ, जाओ। मैं इसे भगाती हूँ। इतना शॉक क्यों मैं? तुम क्या मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी? नहीं, मैं तुम्हें क्यों एक्सपेक्ट करूंगी अभी? नहीं, वो क्या है ना, तुम चीखी थी ना। वो मैंने कॉकरोच देख लिया था ना, तो मैं डर गई इसीलिए। अच्छा,